क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ड्रावना सा भयंकर सवाल। अरे भयंकर नहीं है भाई, बहुत आसान है। आप लोग बड़ा क्वेश्चन देखते नहीं हो कि डर जाते हो। अरे डरा मत, क्या करो क्वेश्चन को समझो और करना क्या है ये देखो। सिंप्लीफाई करना है, मतलब अल्टीमेट इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो करना है कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा को एज इट इज लिख दो, क्योंकि उसको हम कुछ नहीं कर सकते। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है पता होना चाहिए आपको, cosec थीटा, ठीक है, इंटू टेन थीटा एज इट इज रहा, ठीक है। अपॉन में देखो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा इंटू cos थीटा ऐसे ही रहा, इंटू cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है एक पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान, और यहां से क्या है माइनस का tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहां से कितना आ गया cot थीटा, और नीचे तो cot थीटा ऑलरेडी है। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखें, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे साइन है या कोसेक है, तो साइन को मैं वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूं, इंटू कोसेक थीटा ऐसे ही रहा, अपॉन में इस सेक को वन अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं, इंटू कोस थीटा ऐसे ही रहा। और यहां पे देखो ये कट गया था, तो वन तो बचेगा ही ना, कट गया तो इसका मतलब कुछ थोड़ी ना बचेगा, वन बचेगा। देखो अब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा, वन माइनस वन मतलब जीरो, ये आंसर है। देखो क्वेश्चन सिंपल है ना, सिर्फ देखने में ही ड्रामे लगते हैं, तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन लाइन नहीं है। सिर्फ आपको ये देख लिया आप लोग डर जाते हो, आप दिमाग में लगाते हो कि करना कैसे, कैसे कुछ क्वेश्चन में है नहीं। देखो सिर्फ ये लिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन मार्क्स का, तीन लाइन निकली है और आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन बार बार एक ही चीज बोलता हूं मैं, तरह तरह की प्रैक्टिस क्या करो तभी क्वेश्चन होंगे, डरोगे तो नहीं होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो होंगे। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।